अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा नक्श जिसे अगर आप बनाते हैं तो आपकी मोहब्बत आपकी जिंदगी में वापस आ जाएगी। आपका रूठा हुआ प्यार, आपकी पुरानी खोई हुई मोहब्बत अगर आप पाना चाहते हैं तो आप इस नक्श को जरूर बनाएं, इस अमल को जरूर करें। और दोस्तों एक बात और है कि अगर किसी लड़की ने या किसी लड़के ने अगर आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर रखा है, कॉल्स पे ब्लॉक कर रखा है, तो इस नक्श को करने के बाद, इस अमल को पूरा करने के बाद वो आपको अनब्लॉक कर देगा। और हो सकता है कि वो आपको सामने से कॉल करे। अगर आप इसे पूरा जिस तरह से मैं बता रही हूँ उस तरह से अगर आप इसे करेंगे तो वो आपको कॉल बैक ज़रूर करेंगे। तो आप इसे ध्यान से देखिए कि इस नक्श को कैसे करना है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप इसका पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं दोस्तों तो आपकी मोहब्बत आपके पास ज़रूर आएगी। कोई भी गलती मत कीजिएगा। सबसे पहले तो एक कागज़ लीजिए और उसके ऊपर इस तरह से आपको नक्श बनाना है। उसके लिए आपको कागज़ पर लकीरें खींचनी होंगी। जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने तीन तीन के यहाँ पर 9 खाने बना रखे हैं, तो तीन ऊपर हैं, तीन साइड में हैं और इस तरह का ये 9 का है यहाँ पर। अब आपको इधर ऊपर लिख लेना है 786 और इस तरफ आपको लिखना है अपना नाम। नक्श के लेफ्ट साइड में यानी उल्टी साइड में आपको लिखना है अपना नाम और नक्श के राइट साइड में यानी कि सीधे हाथ की तरफ आपको लिखना है अपने प्यार का नाम। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको लिख लेना है दोनों तरफ। अब आपको इसके अंदर जैसे मैं बता रही हूँ उस तरह से लिखते जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है 9, यहाँ पर 7, यहाँ पर लिखना है 2, यहाँ पर लिखना है 5, यहाँ पर 17 और उसके बाद फिर इस जगह को आपको खाली छोड़ते हुए यहाँ पर लिख देना है 11 और यहाँ लिखना है 19 और यहाँ पर लिखना है 23। इस तरह से जब आपका ये पूरा नक्श बन जाएगा तो बीच की जगह जो हमने खाली छोड़ी थी यहाँ पर आपको लिखना है खूब। दोस्तों ये लिखने के बाद आपको इस कागज को मोड़ लेना है। जी हाँ, इसको आपको इस तरह से मोड़ना है, बिल्कुल पतला बारीक लकीर बनाते हुए आप इसे मोड़ दीजिए। और जब ये पूरी तरह से मुड़ जाएगा, पूरा कागज जब आप फोल्ड कर चुके होंगे, तो ये आपको क्या करना है, जैसा कि आपने हमारे वीडियो में देखा कि एक चप्पल सीधी थी और एक चप्पल उल्टी रखी हुई थी, तो आपको चप्पल को घुमाकर सीधा कर देना है। जी हाँ दोस्तों, उससे आपका ये जो अमल है ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद इसे और अच्छे से मोड़ लीजिए और इस तरह से दोस्तों आपको 8 रोज करना है, यानी कि 8 दिन तक आपको ये हर बार करना है। जब आप इसे 8 बार कर चुके होंगे तो आपके पास इस तरह के 8 नक्श बन चुके होंगे और अंत में यानी कि 8वें दिन आपको ये 8ों नक्श ले जाकर एक बहते हुए पानी में बहा देने। दोस्तों जब भी आप नक्श को कर रहे होंगे तो एक बात का और आपको ख्याल रखना है कि आप अपनी मोहब्बत का अपने जहन में पूरी तरह से ध्यान कीजिएगा। आपके जहन में सिर्फ आपकी मोहब्बत होनी चाहिए उस समय। और आप 8वें दिन जब आप इसे बहते हुए पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे कि या तो फिर वो लड़की, वो मोहब्बत आपकी आपको खुद कॉल बैक करेगी, या तो अगर उसने आपको ब्लॉक किया होगा तो वो अनब्लॉक कर देगी। अगर वो आपसे नफरत करती होगी तो आपसे मोहब्बत करने लग जाएगी। और इस तरह से ये नक्श आपके बहुत ही ज़्यादा काम का है। कुछ और समस्या, कुछ और मसले हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है। मिलेंगे अगले वीडियो में। शब्बा।